लखनऊ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर यूपी में तमाम एआईसीसी और पीसीसी के पद अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मोना मिश्रा और पीएल पुनिया के साथ ही कई पद अधिकारी मंच पर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस की तरफ से लखनऊ में कांग्रेस का ज्योत से ज्योत कार्यक्रम रखा गया और साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान वोट फॉर न्याय का स्लोगन दिया गया। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली है। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बहुत ही विशेष बैठक यहां पर आमंत्रित की गई है, जिसमें एआईसीसी के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूरे प्रदेश के यहां पर आमंत्रित किए गए हैं, जो कि 1100 से ज़्यादा सदस्य यहां पर उपस्थित हैं। ये प्रमुख रूप से राहुल जी की जो यात्रा 16 जनवरी को यहाँ पर जो आ रही है, प्रारंभ हो रही है, उसमें सहयोग के लिए और उस यात्रा को सफल बनाने हेतु और साथ ही साथ संगठन की पूर्णता और संगठन के सशक्तिकरण के लिए हर एक प्रदेश के सदस्य को जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है।